देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई। आईएमए की पासिंग आउट परेड में कुल 394 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए। इसके तहत 355 कैडेट भारतीय जबकि 39 विदेशी कैडेट पास हुए हैं। वहीं पीओपी में सेना की उत्तरी कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। बता दें कि 355 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर भारतीय थल सेना में अधिकारी बन गए। साथ ही मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट मित्र राष्ट्रों के लिए भी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान सभी जेंटलमैन कैडेट पर हेलीकॉप्टर की मदद से फूलों की भी वर्षा की गई। वहीं परेड में जेंटलमैन कैडेट का जोश देखते ही बन रहा था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एट जून बहुत बड़ा दिन होगा इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में, बिकॉज आज 154 रेगुलर और 137 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के बच्चे पास आउट हुए हैं। टोटल 394 ऑफिसर कैडेट्स आज हमने इंडियन आर्मी को दिए हैं, जो बहुत बहुत नाम रोशन करेंगे अपनी अपनी पल्टन्स का, इंडियन आर्मी का और हमारे देश का। इसमें ऑलमोस्ट 39 जो लड़के हैं वो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, एंड आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा करेंगे अपने अपने कंट्रीज़ के लिए भी। इसमें से जो हमारे इंडियन कैडेट्स हैं उनको मैं विश करना चाहूँगी और बाकी फॉरेन कंट्री के बच्चों को भी विश करना चाहूँगी कि मे दे हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड, मे दे हैव अ लाइफ विच इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, हैप्पीनेस, ग्लोरी एंड अ सेफ लाइफ अहेड।